इसमें एक बार सोचनी, एक बार बिल्कुल सोचनी चाहिए सभी को कि क्या ये जो हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का कम्युनिस्ट, हिंदुस्तान का ये जो विरोध, कांग्रेस कह लो या कोई और पार्टी, ये जो विरोध कर रहे हैं, क्या ये बीजेपी के ग्राउंड पर कर रहे हैं? ये बीजेपी के मैदान पर गेम चल रहा है। और ये CAA उन्होंने डाला, CAA पर ही विरोध हो गया। इसका मतलब ये हो जाता है कि बीजेपी जो करना चाहती थी NRC के माध्यम से या भविष्य में, वो करने से पहले ही कर लिया, उनको करना ही नहीं पड़ा कुछ। 80% आबादी एक मुश्त आ गई, जो 38%, 40%, 41% वे वोट से सरकार बनती थी, वो आज अगर चुनाव हो जाए तो 70% वोट से सरकार बनेगी। क्योंकि 80% आबादी को ये समझ आ गया कि खाली पीली का विरोध है, बिना किसी कारण के विरोध है। भाई CAA पढ़ने के बाद आदमी को समझ आता है बिना किसी कारण के विरोध, इसलिए विरोध है कि सब हम मेरी बात मानो, हम गलत कह रहे हैं तो भी मेरी बात मानो, सही कह रहे हैं तो भी मेरी बात मानो। पिछले कई वर्षों से, पिछले 20 वर्षों से मेरी बात मानकर ही सरकारें चल रही थी, अब क्यों नहीं चलेगी? इसलिए सही और गलत नहीं, सही और गलत नहीं, मेरी मानो। और वो ये कह रहे थे कि देखो इस्लामिक तुष्टिकरण, मुस्लिम तुष्टिकरण हो रहा है, ये तुष्टिकरण देश के लिए अच्छा नहीं है और ये नहीं है वो नहीं। लोग कह रहे थे नहीं कुछ नहीं, सेकुलरिज्म चल रहा है, बराबर का चल रहा है, गंगा जमुना संस्कृति चल रही। CAA के माध्यम से अब बता दिया है उन लोगों ने कि गंगा और जमुना कैसी है, ये गंगा जमुना संस्कृति कैसी है, सेकुलरिज्म कहाँ चला गया, देश में सद्भावना कहाँ चली गई, देश में माननीय सरकार कहाँ चली गई, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ प्रिवेल कर रहा है, कैसे प्रिवेल कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब कहाँ चला गया, ये सब गायब हो गया। अगर सही मायनों में कहो तो लोगों ने नरेंद्र मोदी को 2014 में इसलिए जिताया था कि उनको लगा कि हिंदुओं को वो संरक्षित कर लेंगे, ठीक। और 2019 के बाद जब अमित शाह ने ये शुरू की बैटिंग, तो उनकी पिच पर बाकी खेल गए, उन्होंने तो कुछ किए नहीं, उन्होंने तो सिर्फ एक CAA पास किया और पास करके वो भी संसद से पास किया, संसद से पास करके वो बैठ गए। अब होना था पोलराइजेशन, किसने किया, अमित शाह ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, ये तो अपोजिशन ने किया। और अपोजिशन ने मुसलमान भड़काकर रोड पर उतार दिया, उनकी माताएं बहनें बच्चे उतारकर रोड पर उतार दिए, और पूरे देश को मैसेज चला गया कि साहब ये चाहते हैं कि मेरी इच्छा से सरकारें चले, मेरी इच्छा से कॉन्स्टिट्यूशन चले, मेरी इच्छा से ये देश चले, चाहे सही हम कहें चाहे हम गलत कहें। अगर CAA सही भी है तो भी हम जो कह रहे हैं वो मानो, इसको वापस करो। तो 80% आबादी को ये समझ नहीं आया कि जो CAA में जब कुछ है नहीं तब ये बवाल है, देश को सुधारने के लिए अगर कुछ सुधारात्मक बड़ी एक्टिविटी करी तो क्या होगा, देश में बांग्लादेशी निकालने का नंबर आए तो क्या होगा, देश में पाकिस्तानी निकालने का नंबर आए तो क्या होगा, देश में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी ड्राइव चले तो क्या होगा, देश में एक कानून बनेगा तो क्या होगा, देश में एक प्रकार के कानूनी व्यवस्था, एक प्रकार की लैंड, एक प्रकार के लोग, एक प्रकार की व्यवस्था सब रहेगी, तब क्या करेंगे। जब CAA सिर्फ परसिक्यूटेड, सताए हुए लोगों को हिंदुस्तान में नागरिकता देने के कानून पर इतना बवाल है तो कौन कर रहा है? ये वो खिल गए इनकी पिच पर। और आज आप हिंदुस्तान में 90% हिंदू आबादी, जो अपने आप को हिंदू आबादी कहती है, उससे पूछ लीजिए, वो ये कह रहा है कि सरकार बिल्कुल ठीक है। इसलिए जो सर्वे लगातार आ रहे हैं ना, उन सर्वेओं में सबसे प्रमुख कौन, सबसे बड़ा विजेता कौन, योगी आदित्यनाथ। 59% लोगों ने कहा योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं लाठी चार्ज। अब बताओ कहाँ गया सेकुलरिज्म, किसकी पिच थी और किसका ग्राउंड था और किसको मेजोरिटी मिली और किसके पक्ष में लोग आ गए। 59% लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या 59% वोट लेकर सरकार बनी थी? नहीं बनी थी, 59% वोट लेकर सरकार नहीं बनी थी। लेकिन 59% आज की तारीख में है, 49% हिंदुस्तान में, मोर देन 50% लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी बिल्कुल ठीक प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या 50% मोर देन 50% वोट लेकर सरकार बनी थी? नहीं बनी थी। आज वोट शेयर बढ़ रहा है, आज उनका ग्राफ बढ़ रहा है। किसने बढ़ाया? ना अमित शाह ने बढ़ाया, ना मोदी ने बढ़ाया, ये तो अपोजिशन ने बढ़ाया। खेल ग्राउंड था इनका, पिच थी इनकी, फॉर्मूला था इनका, और खेल रहे हैं वो और इनको बढ़ा रहे हैं। अब देखो अगली चाल,
ये अपोजिशन ने जो अगली चाल चली ना, आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं वो। जो लोग ये कह रहे हैं कि रंगा बिल्ला नाम बता देना जब आपके पास NPR आए, तो आप सोचते हैं कि राशन कार्ड किसका बनेगा? रंगा बिल्ला का। किसी की गिरफ्तारी होगी तो आप बता सकते हैं कि बेल कैसे मिलेगी उसको, जब जिसका नाम रंगा बिल्ला लिखा हो रजिस्टर में। आप बता सकते हैं सरकार की योजनाओं का लाभ कौन लेगा, आप बता सकते हैं वोट कौन डालेगा। भविष्य में जो सरकार कर सकती है, NPR रजिस्टर मेंटेन करके, जब भी आप कहेंगे, जैसे आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड जोड़ा और कहा आधार सही नहीं है तो इनकम टैक्स में आपका ये नहीं, आधार सही नहीं तो वो नहीं, सब पीछे किया। अब मुझे बता दीजिए, NPR को आधार से लिंक कर दें, NPR में आपका नंबर होगा नहीं, आधार में आपका नंबर होगा, NPR से लिंक करेगा नहीं तो आपका आधार भी बेकार हो गया, फर्जी बना है। आधार फर्जी हो गया तो आप PDF सिस्टम में आ गया, भारत में चल गया है वन राशन कार्ड वन नेशन, पूरे देश में एक राशन कार्ड बनेगा तो वो आधार से लिंक हो जाएगा। अब आप मुझे बता दीजिए, आपको राशन चाहिए फ्री वाला तो कैसे मिलेगा? ये 14-14 बच्चे पैदा करते हो और मैटरनिटी लीव सरकार से लेते हो हॉस्पिटल से, और पैसे साथ में मिलते हैं, NPR होगा नहीं तो सरकार कहाँ से देगी? ये 5-5 लाख का बीमा सरकार ने दे रखा है, जब आपका NPR में नाम ही नहीं होगा और NPR के वेरिफिकेशन के बगैर अगर कोई योजना नहीं बनेगी तो आपको कैसे मिल जाएगा ये सब कुछ? आप घर बनाना चाहते हो, आवास योजना लेना चाहते हो, आप बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हो, आप सिलेंडर लेना चाहते हो, अभी तो एक 6 करोड़ लोगों के सिलेंडर, 1.5 करोड़ लोगों के सिलेंडर कटे हैं, अभी NPR से जब उनका मैचिंग नहीं होगी तो अभी 5 करोड़ लोगों के और कटेंगे, और फिर क्या होगा? फिर वो कहेंगे नहीं हम तो साहब यहीं पैदा हुए यहीं चले, तो कहेंगे कहाँ है तुम्हारा नाम पता? अरे ये है NPR से मिलाओ, NPR पे तो है नहीं, सरकार ने स्वैच्छिक रूप से सबका नाम बताया था, आपने लिखवाया क्या उसमें? आपने तो उसमें रंगा बिल्ला लिखवाया था, तो रंगा कहाँ बिल्ला कहाँ, उनके ही राशन कार्ड बन सकते हैं, आपका तो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आप तो NPR पे है नहीं। अब आप सोचो अगर पूरी मुस्लिम आबादी उसका विरोध कर जाए तो 20% लोगों के राशन कार्ड खत्म हो गए, 20% लोगों के कनेक्शन खत्म हो गए, वोट खत्म हो गए। अब ये क्या करेंगे? ये करेंगे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार लाठी चलाएगी, उठाकर जेल में बंद कर देगी, कहेगी इनके वेरिफिकेशन सब विदेशी हैं, मुकदमा चलेगा। ठीक, मुकदमे में जीतोगे, कहोगे हम देसी हैं, कई साल लगेंगे देसी बताने में, भारत के सिस्टम में मुकदमेबाजी सामान्य परिस्थिति में 10 साल लगते हैं, और ये 20 करोड़ लोग अगर सिस्टम में आ जाएंगे तो हमारे जजेस कहाँ, कितनी कोर्टें कहाँ मिलेंगी, तो इनको लगेंगे 20 साल, और बहुत जल्दी कर लेंगे तो 10-12 साल में आपको मिल जाएगा, 10-12 साल में सरकार पैदल कर चुकी होगी बाकी लोगों को। इसलिए जिनके दिमाग में है ना NPR पे नहीं लिखवाना, NRC पे नहीं आना, फलाने पे नहीं आना, ढिमाके पे नहीं आना, इनको अपोजिशन ने ऐसा बरगलाया है कि पूरे सिस्टम को ही सिस्टम से बाहर कर दो, एक पूरी कम्युनिटी ही सिस्टम से बाहर हो जाएगी। और जिसके मन में यह है कि हम 25 करोड़ लोग हैं और गोली चला देंगे और पता नहीं आतंकवाद फैला देंगे, उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, उनके पास बम गोले भी हैं, उनके पास मिसाइलें भी हैं और उनके पास परमाणु बम भी है, और इमरान खान दुनिया भर में रोते घूम रहे हैं कि मोदी हमारे पीछे पड़ा है, हमें बचा लो किसी तरह, नहीं हमला कर देगा, पता नहीं अब कुछ बालाकोट से भी बड़ा करने वाले हैं, वो परेशान है कि हम बच जाए मोदी से, 25 करोड़ बम गोले लेकर बैठे हैं, एक पार्टिकुलर उनकी रेगुलर आर्मी है और जो संसार में सबसे बदतमीज आर्मी मानी जाती है, वो इस समय त्रहिमाम कर रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है 25 करोड़ कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा देश कुछ कर सकते हैं 20 करोड़ लोग मिलकर, उनको ये याद रखना चाहिए कि मुट्ठी भर 20,000 अंग्रेज आए थे जिसने पूरे हिंदुस्तान पर शासन किया था, उनको ये याद रखना चाहिए कि मुट्ठी भर मुसलमान आए थे आक्रांता, एक 20,000, 30,000, 40,000 की फौज लेकर, 1,00,000 की फौज लेकर, जिसने पूरे हिंदुस्तान पर 800 साल शासन किया। सरकारों से लड़ा नहीं जा सकता, सरकार एक आदेश देती गोली चलाओ बात खत्म, क्योंकि आतंकवाद का और देश में डिस्टर्बेंस का कोई सलूशन नहीं। और उस समय ना कोर्ट चलती है, ना शासन चलता है, ना प्रशासन चलता है, उस समय सरकार चलती है, और जिस समय ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो सरकार को इम्यून कर देगा 50 साल के लिए। ऐसी परिस्थिति गृह युद्ध की देश में आ गई तो इलेक्शन कैसे होंगे, सिस्टम कैसे चलेगा, फिर तो सारी पावर सरकार के पास ही होगी, कोई पावर ही नहीं होगी अपोजिशन के पास, सरकार के पास सिर्फ एक पावर होगी कि जब हम गोली चलाकर शांत कर लेंगे, सब कुछ मैनेज कर लेंगे, तब चुनाव करवाएंगे। तो क्या हो जाएगा?
निरंकुश आप बन, वो बन नहीं रहे, आप ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दोगे निरंकुशता अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जब तक नॉर्मल सिचुएशन नहीं होगी तब तक चुनाव कैसे होगा, और जब तक चुनाव नहीं होगा तो सरकार कैसे बदलेगी, और जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक डिसीजन कौन लेगा, और आप डिसीजन लेने के लिए कोर्ट जाओगे क्योंकि आपने एनपीआर में तो नाम लिखवाया नहीं था, एनआरसी भी नहीं करवाई थी, तो आप सब बेसिकली विदेशी कहलाएंगे। आप न्यायालय से उसको सिद्ध करवाकर 10-15-20 साल में आ जाएंगे। 20 साल का मतलब समझते हैं एक पीढ़ी पूरी चली गई, पिछली वाली भी चली गई, आने वाली नई पीढ़ी भी चली गई, और नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी खत्म हो गई तो आप अपने आप डिप्रेस क्लास हो जाएंगे। और डिप्रेशन इसलिए बिल का आएगा कि हिंदुस्तान में जो सरकार करना चाहती थी, जो वो करना चाहते थे नहीं कर सकते थे सेकुलरिज्म की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, वो कर लेंगे। तो आज की तारीख में ये सारा सिस्टम किसकी, किसके ग्राउंड पर है, बीजेपी के ग्राउंड पर, उनकी पिच पर खेलने वाले दूसरे हैं, रेफरी बनकर ये खड़े आउट नॉट आउट बता रहे हैं बस।